रिश्ता लिखेंगे हम नया। आइए बैठिए, बहुत भूख लगी है। बहुत टेस्टी बनी है। दिया, सुबह से आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, आप भी खाइए ना। रुकिए, मैं आपको खिलाता हूं। अच्छी है ना? थैंक यू दिया। थैंक यू। हाँ, नूडल्स इतने अच्छे बने थे क्या? इसका मतलब आपको सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी रतन। नूडल्स के लिए भी और इसलिए भी कि आप मेरे साथ आज यहाँ खड़ी रही। दिया, हमारा डिवोर्स आज ही फाइल हुआ है और आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आज यहाँ खड़ी रही। दिया, मैंने तो आपके प्यार को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको तो मुझ पे गुस्सा करना चाहिए। दिया, आपको तो ये लगना चाहिए था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, लेकिन आप तो फिर भी मेरे साथ यहाँ खड़ी रही। क्यों दिया, क्यों? प्लीज प्लीज बताइए ना। रतन, हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। भले ही हम साथ ना रहे, लीगली भी अलग हो जाए, तब भी रतन अपनी मुश्किल घड़ी में हमें बस एक आवाज लगा दीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ ही खड़े रहेंगे। दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। रुकिए, आप बर्तन मांजना जानते हैं? हाँ दिया, लंदन में जब हम हॉस्टल में रहते थे तो वहां पे बहुत बार मैंने ऐसे ही बर्तन चलाए, तो सारे दोस्त मिलके बस बर्तन साफ करते हैं। उम्र के छोटे बड़े सात फेरों में बंधे, वक्त ने रिश्ता रोया है, जग ने रिश्ता दिया ये नया, ये रिश्ता। लीजिए दिया, हो गई कढ़ाई साफ। रतन, पर अगर बाहर किसी को पता चला कि दाता हुकुम खुद अपने बर्तन धोते हैं तो क्या होगा? चलिए, हम ठीक है पापा साहब। वो एक्चुअली इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया ना कि आप यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाए। आप ठीक है ना?
पापा हम आपसे बाद में बात करते हैं। हम ठीक है। थैंक्स मोना हमें समझने के लिए। देखिए मोना, हम जानते हैं कि इस शादी को लेकर आपके बहुत सारे अरमान थे जो हमारी वजह से। यश, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए बहुत है। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यश, हमारी प्रॉब्लम तो दाता हुकुम और दिया ठकरानी सा है, उनसे बदला तो हम लेकर रहेंगे। मोना, दिया भाई साहब, दाता हुकुम, दोनों इतनी टेंशन में है और हम खुद को ना बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं कि हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। कोई रास्ता नहीं मिला अभी तक? कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। काकी मासा, हम आज कोई ना कोई सलूशन जरूर निकाल लेंगे। ईशा कुंवर आने सा, रसोई में कुछ जला सेके? नहीं मामी सा। कुछ जला कौनी से तो हमें महक क्यों आ रही से? काकी मासा को कढ़ाई जलने वाली बात पता चल जाएगी। आप ही रुकी, मैं देख के आता हूं। नहीं तो काकी मासा, यहां तो कुछ भी नहीं जला। बिल्कुल नहीं, कुछ जला होता तो कोई ना कोई निशानी तो जरूर छूटती ना। कुछ भी नहीं है। ये कढ़ाई से जो जली से लाइए, दिखाइए काकी मासा, कहां से जली है ये तो बिल्कुल साफ है। हाँ दाता हुकुम, ये कढ़ाई बिल्कुल साफ से। कभी कभी ऐसा होवे से कि हमारी आंख कुछ देख को नहीं पावे से, लेकिन महक हमें दिखा देती से। देखिए, ये कढ़ाई जलकर महक रही से। जिस किसी ने भी इस कढ़ाई को जलाया से, उसने बड़े ही सफाई से इसे साफ भी कर दिया से। नहीं काकी मासा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये कढ़ाई बिल्कुल साफ है। नहीं, हमारी वजह से जली है। वो गलती से ये कढ़ाई हमसे जल गई और फिर हम बहुत डर गए थे, तो रतन ने ये कढ़ाई साफ कर दी। करसी काल कामा दाता हुकुम, आपने बर्तन मांजे? हम जानते से कि आप विदेश में पढ़कर आए से और आपके खुले विचार से और अलग भी से, लेकिन इस वक्त हमारे परिवार के दिवाले निकलने की अफवाहें फैल चुकी से। आप ऐसा कौनी कीजिए दाता हुकुम, कोई देख लेवेगा तो बात का बतंगड़ बन जावेगा। सॉरी काकी मासा। वैसे काकी मासा, आपकी नाक को मेरा सलाम। अब मानना पड़ेगा सच में आपको, मैंने तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था, फिर भी आपको इतनी दूर से पता चल गया कि कुछ जला है, और वो भी कौन सी कढ़ाई जली है वो भी आपको पता चल गया। आप तो टू गुड है, आपने मेरी चोरी पकड़ ली। दाता हुकुम, हमें कुछ करना को नहीं पड़ा, इस महक ने आपकी रास पर से पर्दा हटा दिया से और आपकी चोरी का खुलासा हो गया। चलिए, हम हमारे राजसी परिवार के कुछ सगे संबंधियों से मिलके आते से, आप दोबारा ऐसा कुछ मत करिएगा।
हमें लगता है कि हमें हमारे प्रॉब्लम का एक सलूशन मिल गया है। आप चलिए हमारे साथ। यश बन्ना, आप कहाँ हैं? दिया, आप तो अपना प्लान बताइए। ये भाई साहब क्या बात है? जैसे हमारी जली हुई कढ़ाई की सुगंध से काकी मासा ने हमारी चोरी पकड़ ली थी, बस उसी तरह हम केसर महल की इज्जत भी वापस ला सकते हैं, हमारे केसर महल के गहनों की सुगंध फैलाकर। इसका मतलब क्या है दिया? और आप ही तो कह रही थी कि ज्वेलरी एग्जीबिशन से कुछ नहीं होगा और सबको लगेगा कि हमारे गहने नकली हैं और किसी से मांगे हुए हैं। करेक्ट, हमने ऐसा कहा था और वो बात अभी भी सही है। हम इन गहनों की महक फैलाएंगे जरूर, लेकिन एग्जीबिशन करके नहीं। तो फिर क्या, कैसे करेंगी दिया ये सब? आप प्लान क्या है? हमारा प्लान है चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर मतलब? दिया बताइए ना, चोर मचाए शोर का मतलब क्या है? और प्लीज अपना ये प्लान ना हमें डिटेल में समझाइए। देखिए, अगर हमने केसर महल के गहनों का एग्जीबिशन लगाया तो लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम बस बैंकरप्ट ना होने का नाटक कर रहे हैं। वो ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये सारे गहने नकली हैं। लोग ये तक सोच सकते हैं कि हमने ये सारे जेवर उधार लिए हैं। लेकिन अगर हमने हमारे ही केसर महल की ज्वेलरी चुराई और इस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया और एक पुलिस केस बना दिया और पुलिस के लिए खुद ही क्लूज छोड़े, तो पुलिस हमारी ज्वेलरी ढूंढकर हमारे पास वापस लाएगी। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस सारी मीडिया में हमारे जेवरों की असली कीमत भी बताएगी। बस फिर सबको पता चल जाएगा कि हमारे महल में कितने सारे जेवर हैं और हम बैंकरप्ट नहीं हैं। और ये अफवाह अपने आप ही शांत हो जाएगी। Oh my God, दिया, आप तो सच में टू गुड है। वैसे आपका दिमाग एक क्रिमिनल की तरह भी सोच सकता है। Not bad. Really impressive. अब काकी मासा को वापस आ जाने दीजिए, उसके बाद हम हमारा प्लान उन्हें भी सुना देंगे। ओके? ओके। हम वापस आ गए से। आप तीनों के बीच जो भी बातें चल रही थी वो भी हमने सुन ली से। हम हमारे राजघराने के सगे संबंधियों से मिलने गए थे, उनके यहाँ भी कुछ नहीं बना। जिन सगे संबंधियों को हमने अपना माना था, सुख दुख में जिनके साथ हमारा व्यवहार चोखा रहा से, उन्होंने आज हमें बता दिया कि वो हमारे अपने कोने से, वो हमारी बात तक कोने सुन रहे थे। और एक आपसे और आपके ये मूर्खता से भरे विचार, आपके सुझाव, दिया ठकराणी सा, यश बन्ना और दाता हुकुम तो अभी मासूम से, लेकिन आप उनके दिमाग में ऐसे विचार क्यों भर रही से? आपकी इस मूर्खता के लिए हम कभी भी अनुमति कौन ही देंगे। चलिए यहां। काकी मासा, आप प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दिया के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी केसर महल का बिजनेस इन अफवाहों की वजह से गिरता जा रहा है, लॉस में जा रहा है। प्लीज काकी मासा, अगर हमने अभी कुछ किया नहीं ना तो हमारे केसर महल होटल पे ताले लग जाएंगे। दाता हुकुम, बात कितनी भी बिगड़ जाए या परिस्थिति कितनी भी खराब हो जावे, इस बात की अनुमति हम आपको कौन ही दे सकते। आप तीनों को इस खजाने की कीमत का अंदाजा भी कौन ही से, किसी भी धरोहर की कीमत उसे जुड़े हुए पैसों से कौन ही की जाती।
ये खजाना हमारे पुरखों ने हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ा से, और किसी भी कारण आपका ये प्रयोग अगर उल्टा पड़ जाता से और ये खजाना सच का यहाँ से वहां हो जाता से, तो दाता हुकुम सिंह परिवार का सचमुच दिवाला निकल जाएगा और हम हमारे धरोहर के साथ ऐसा जोखिम को नहीं उठा सकते। पर दादी साहब, यश बन्ना, हमने अभी जो कहा वो हमारा आखिरी फैसला से, हम इस राजसी अमानत के साथ, हमारे पुरखों के आशीर्वाद के साथ जोखिम को नहीं उठा सकते, हरगिज नहीं। आप तीनों हमें वचन दीजिए, आप ऐसी किसी भी योजना का हिस्सा कौन ही बनेंगे? ये दादी सा इन तीनों से कौन से प्लान को ना करने का वचन मांग रही है? वचन दीजिए। खम्मा गणी दाता हुकुम, इस तरह से बीच में आने के लिए माफी चाहता हूं। एक्चुअली बात ऐसी है कि विवाह इवेंट के तमाम स्पॉन्सर्स आए हुए हैं और वो आपसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ओके। दाता हुकुम, विवाह जैसे प्रेस्टीजियस इवेंट का कोई काम आगे नहीं बढ़ा है, ना तो कोई वेंडर का पता है और ना ही उन पार्टीज का जो इसमें हिस्सा लेंगे। केसर महल का दिवाला निकलने के बाद तो लगता भी नहीं है कि कोई इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं भी ये सब करने में लगा हुआ हूँ। हमने आप पर भरोसा किया और आपको इतने बड़े प्रेस्टीजियस इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हमें लगा कि आप सिंह परिवार और केसर महल की आने वाली नई पीढ़ी है, उन्हीं का न्यू फेस है। दिया ठकरानी साहब की तरह आप भी इस इवेंट पे चार चांद लगा देंगी। दरअसल गलती हमारी है कि हमने आपको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपके इमैच्योर कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली, इसलिए हम अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लेना चाहते हैं। हमें तो हैरानी हो रही है ये देखकर कि हमारे साथ इतने साल काम करने के बाद भी आप सबकी सोच इतनी सीमित है। हमने भी जब काम शुरू किया था हम भी सिर्फ 18 साल के ही थे, रतन 21 साल के हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा है कैसे वो दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट, ये इवेंट कामयाब हो, और आप सबने इनकी सिर्फ उम्र को देख कर ये तय कर लिया कि ये इनकॉम्पिटेंट है, निकम्मे है। सच में आप सबको अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए। हम जिम्मा लेते हैं रतन का। रतन हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे, हमने देखा है जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आप सबसे सिर्फ इतनी उम्मीद रख रहे हैं कि इतने साल आपने केसर महल पर विश्वास दिखाया है, प्रोफेशनली हमारा हमेशा साथ दिया है, उसी नाते से हमें बस कुछ और वक्त दे दीजिए। ठीक है दिया ठकरानी सर, आप कहते हैं तो हम
दाता हुकुम को 24 घंटे का वक्त और देते हैं। कल रात 8 बजे आएंगे। अगर केसर महल के दिवाला निकलने की बात अफवाह है तो कल रात 8 बजे तक ये साबित करके दिखाइए। खम्बा गणी आइए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.